दिवंगत की आशा वर्कर कविता की मौत होने पर आशा वर्कर्स यूनियन की सदस्यों ने रोष जताया है। यूनियन के सदस्यों ने सिविल अस्पताल में धरना देते हुए सीएमओ को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि कविता के स्वजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। इसके साथ ही कविता की मौत के लिए स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार ठहराया। आरोप है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद कविता की हालत बिगड़ी। यूनियन की जिला प्रधान सुमन व सचिव पिंकी ने ज्ञापन में कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कोरोना योद्धा होने के नाते कविता के परिवार को मदद मिलनी चाहिए। कविता के पति सुरेश ने बताया कि उनकी पत्नी वर्ष 2006 से आशा वर्कर थी। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने से इनकार किया था, इसके बावजूद मानसिक दबाव बनाकर टीका लगाया। इसके बाद से तबीयत खराब हो गई। 10 फरवरी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में इलाज हुआ। 12 फरवरी को मौत हो गई। आशा वर्कर की जो डेथ हुई थी उसको वो कोरोना वैक्सीन की वजह से हुई थी, क्योंकि पहले टेस्ट नहीं किए गए और बगैर टेस्ट के जो वैक्सीन दी गई मना करने पे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट पहले भी आशा वर्कर्स ने किया है कि 50 लाख का जो बीमा कवर मिलना चाहिए कोरोना योद्धा की दृष्टि जो सरकार ने तय किया है वो दिया जाए, उसको लेकर पूरे हरियाणा के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आशा वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, और जब तक ये स्वास्थ्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं होते, तब तक हरियाणा सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन है जो वो दिया जाए और महंगाई भत्ता के साथ दिया जाए। सवाल यही है कि बगैर उसकी चेक किए, टेस्ट किए, ना बीपी ना शुगर मना करने के बाद क्या बीमारी शरीर के अंदर है तो इन्होंने लिया, उसके जिम्मेवार तो यही है ना। वैक्सीन का ही तो प्रभाव था, वैक्सीन से पहले वो ठीक थी। हम अपनी बहन कविता के लिए मांग करते हैं कि हमारी आशा बहन को 50 लाख का बीमा मिले और उसके हस्बैंड को सरकारी नौकरी मिले। कोई भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा वर्कर बहन को कोई भी सहायता राशि नहीं दी गई है, ना ही कोई आर्थिक सहायता दी गई। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कविता में खून की कमी थी, निमोनिया था, किडनी में पथरी थी। दूसरी तरफ परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें तो इसकी जानकारी नहीं थी। वैक्सीनेशन से पहले टेस्ट कराए जाने चाहिए थे, मोटिवेट करना चाहिए था। एक बार कविता की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव बताई। रोहतक से टीम आई तो बताया कि रिपोर्ट नेगेटिव है। यूनियन के प्रधान सुमन का कहना है कि जिस आंध्र प्रदेश सरकार ने मृतक के स्वजनों को मदद दी उसी तरह प्रदेश सरकार सहायता करे, अगर मांग नहीं मानी गई तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।